हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आपके लेके आया हूँ एक बहुत ही खास और यूनिक सी चीज। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा पाउच है और इस पाउच के अंदर आप गैस के लिए क्या होगा, तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आपको बता देते हैं कि इस पाउच के अंदर क्या है। इस पाउच के अंदर है एक फोल्डेबल चेयर जो आप कहीं पे भी असेंबल करके, बहुत ही इजी है इसको असेंबल करना, कहीं पे भी असेंबल करके आप इसमें बैठ सकते हैं। मेनली ये हाइकिंग के लिए आता है या पिकनिक के लिए आता है। तो इसमें आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, साथ साथ इसकी प्रोज और कॉन्स भी बताऊंगा कि आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस चेयर की जो कैटलॉग है, ये अमेजोन से मैंने ली है, तो अमेजोन की आपको कुछ पिक शेयर कर रहा हूँ। ये खुलने के बाद इस तरीके से हो जाती है और आप इस पे आराम से बैठ सकते हैं। मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर इस पे कौन लोग बैठ पाएंगे, मतलब उनका वेट कितना होना चाहिए और ये कितना लोड सस्टेन कर पाएगा, तो उन्हीं चीजों को हमें देखना है। इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं, साथ साथ असेंबलिंग भी दिखाएंगे जो कि काफी इजी है। एक बार मैंने इसे खोल रखा है, फिर से आपको खोल के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी पाउच है और इसको मैं अब खोलने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये देखने मिल जाती है, ये चेयर की सीट है इस तरीके की, इसमें मेश लगी हुई है दो साइड में। उसके बाद इसमें सारी इसके एडजस्टमेंट है जिससे आप चेयर बनाना है आपको। तो देखिए, ये काफी अच्छे तरीके से, मतलब एक साथ इसे आप पैक कर सकते हैं। इसमें ये रबर जो है अटैच आती है, और देखिए इसको खोलने के बाद ये कितनी आसान तरीके से खुद जो है वो आपस में असेंबल होने लगती है, क्योंकि इसके बीच में ये रबर दी गई है और रबर के कारण ये एक दूसरे को ऐसे करके अट्रैक्ट कर लेती है और सारे अटैचमेंट्स खुद लग जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। जो स्मूथ सरफेस है उस पे ये अच्छे से रेसिस्टेंस जो है प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें। और यही अगर आप कैंपिंग या हाइकिंग के लिए यूज करते हैं, तो वहां जानते हैं आपकी रफ सरफेस रहता है, ग्राउंड रहता है या फिर कोई भी आपका फील्ड वगैरह रहता है, तो उसपे ये काफी अच्छा सा फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है जिसके कारण ये स्लिप नहीं होगा। इसको कंसिडर करते हुए इसे हमें घर के लिए तो नहीं लेना चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे लेके घर में यूज करेंगे तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तो चलिए इसमें ये हम चेयर का सीट लगा लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि उसका ऊपर वाला पार्ट कौन सा है और नीचे वाला पार्ट कौन सा है। तो ये वाला पार्ट जाएगा नीचे और ये वाला जो पार्ट है ये जाएगा ऊपर। सबसे पहले आप नीचे वाले पार्ट को लगा लें। ये देखिए, ये एक लग गया, अब दूसरा लगाते हैं। हाल के रॉड को आराम से भी लगा सकते हैं, उसके बाद रॉड वापस से उसकी जगह पे लगा दें। देखिए ये लग गया और इसे अभी यहाँ पे लगा देंगे। इतना लग जाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको आसानी से लगाना है तो ये दोनों रॉड को आप पहले ही ऐसे अलग कर लें। रॉड दिया गया है, ये प्लग में घुसा दें, अच्छे से फिट हो जाए। इसका फिटिंग जो है अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर हल्का फुल्का फिट हुआ तो बाद में खुल सकता है। फिर उसी तरह या इस वाले प्लग में भी लगा दें इसे, और ये जब पूरा लग जाए तो देखिए ये वाला जो अटैचमेंट है इन दोनों को आपको एक साथ कर देना है। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये लग चुका है, अब बचा ये वाला। इसको लगाने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट पोर्शन है। तो सबसे पहले आप इसको इसके स्लॉट में फंसा लें और उसके बाद कोशिश करें कि यहां इसको इसमें फिट कर दें। तो देखिए फाइनली ये लग चुका है और आपकी चेयर जो है वो बन चुकी है। इस तरीके की आपकी चेयर बनके तैयार हो जाएगी, पीछे से कुछ इस तरीके की लगेगी। इसमें मैं आपको बैठ के दिखाता हूं। तो देखिए इस तरीके से आप बैठ सकते हैं आराम से इस पे, और देखिए जैसे कि ये स्लाइड कर रही है क्योंकि टाइल्स है नीचे। यही अगर आपका कोई फील्ड वगैरह या फिर जहां पे आप कैंपिंग करने जाते हैं वहां रखेंगे तो हो सकता है स्लिप ना करें।
तो इसकी प्रोज और कॉन्स थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। एक तो कॉन्स मैंने आपको बताई थी कि स्मूथ है तो आप घर पे यूज नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात जो है उसकी वेट की आती है कि कितने वेट के लोग इस पे बैठ सकेंगे। तो उसके लिए इसकी क्लेमिंग लगभग 125 या 110 केजी है, मगर जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी भी अच्छी नहीं है कि उतनी वेट ये सस्टेन कर पाए। मेरी वेट अराउंड 65 है और ये 65 तो आराम से सस्टेन कर ले रही है, इनफैक्ट 70-75 तक कर लेगी। अगर आपकी वेट 75 तक है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं। ब्रांड वगैरह की बात जहां तक है तो ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये जेनरिक प्रोडक्ट है, आपको अमेजोन पे बहुत सारे सेलर्स के थ्रू मिल जाएगी। इसकी प्राइस जो है वो मैंने लगभग 1200 के अराउंड ली थी, ये जनरली आपको अमेजोन पे लगभग 1500 या फिर 1400 ऐसे करके ही मिलेगी। उस दिन थोड़ी बहुत सेल में थी तो मैंने ये ऑर्डर करा क्योंकि मैं बहुत दिन से इसे देख रहा था। अगर आपको लेना है तो मैं प्रोडक्ट्स की डिफरेंट सेलर्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसके थ्रू आप देख लेना कि कौन सी जो है चेयर सबसे सस्ती मिल रही है, क्योंकि ये कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, ये जेनरिक सी आइटम है, मतलब सब सेलर अपना ब्रांड टैग लगा के बेचते हैं। अगर प्रोज की बात कर ले तो काफी कन्वीनियंट सा है, आप कैरी कर सकते हैं कि छोटे से बैग में, लगभग इतने साइज का बैग है और इतना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता है, कहीं से आप भी मतलब कभी भी आप अपने कैरी बैग या फिर जो शोल्डर बैग होता है उसमें कैरी कर सकते हैं, आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं, पिकनिक हाइकिंग जो भी मैंने आप उसमें यूज कर सकते हैं। मैंने वेट का बताया वो आप जरूर कंसिडर करिएगा, अगर आपका वेट अबव 100 या फिर 80 प्लस भी कर रहा है तो इसे मत लीजिए, हो सकता है ये ज्यादा ड्यूरेबल ना हो उतने वेट के लिए। बाकी अगर कुछ अपडेट्स वगैरह है या इसमें कुछ खराबी आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी को आपको सजेस्ट करना है तो ये वीडियो ये प्रोडक्ट जरूर सजेस्ट करें अगर उनके काम की हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।